सूरत में ली थी। हरमन और सुरभि कित्थे? और कहां जीजी? कमरे विच। पहली रात की सुबह है ना, देर तो होगी। ज्ञान बाट नहीं कहा तुझसे? कमरे विच है तो जा बुला ला। जी रुक, अब तू कहां सीढ़ियां चढ़ेगी और उतरेगी। बैठ सौम्या, चल दोनों को चाय दे। जा और देख कि पहली रात के बाद मेरा बेटा और तेरी बहन दोनों कैसे लग रहे हैं। एक सुहागन की अपने पति के साथ पहली सुबह कैसी होती है, तू भी जाकर देख। आप यहाँ? आप दोनों के लिए चाय लेकर आई हूँ। चाय पीकर नीचे आ जाइएगा। अब्दी, आपकी चाय कहाँ है? मैं नीचे नीचे ही है, नीचे ही पी लूंगी। आप इधर आओ। आओ दी, यहां बैठो। रुको, तुम नहीं सो सकती, वो मेरी गुलाब को की जगह। ये लो दी, ये आपकी चाय। और आप नीचे जाकर चाय क्यों पियोगे? हमारे साथ पियो ना यहां बैठकर। पकड़ो। भाभी, आपको ताईजी नीचे बुला रही। आपको नहीं, सिर्फ भाभी को। अच्छा है ना दी, आप यहाँ बैठकर आराम से चाय पियो, तब तक मैं नीचे देखकर आती हूँ क्या कह रहे हैं। आप बैठो ना। बैठो, चल सिंधु। कल भी सोफे पे ही सोए ना जी? नहीं नहीं, मैं सोफे पे क्यों सोऊंगा, मैं तो वहां बेड पे सोया था, सोफे पे नहीं सोया मैं। आपको तो अच्छे से झूठ भी नहीं बोलना आता है, जब भी बोलते हैं पकड़ी जाते हैं। सब कुछ जानती हो तो फिर सवाल क्यों पूछती हो? हरमन जी, आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, अब आपको सुरभि के साथ ही। शुरू हो गई। तुम तय नहीं करोगी कि क्या करना और क्या नहीं करना। तुमने कहा सुरभि से शादी कर लो, मैंने सुरभि से शादी कर ली। तुमने कहा सुरभि के साथ इस कमरे में रहो, मैं रह रहा हूं। लेकिन अब आगे क्या करना है ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। मुझे ट्यूशन देने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखा।
तेरी दोनों बेटियां ब्याह के इस घर से विदा हो गई है पुत्र। अब मेरा भी यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। मैं भी चलती हूँ पुत्र। कहाँ जा रही हैं? अब मेरा यहाँ क्या काम? दोनों बच्चियां भी अपने घर चली गई। मैं भी चलती हूँ। वाह जी वाह, जब जिसका मन है उठ के चला गया, निम्मी भी छोड़कर चली गई। बेटियां तो पराये धन होती हैं, उनको तो एक ना एक दिन जाना ही है। माना के मैं सौम्या के लिए बुरा था, लेकिन मैंने कभी आप लोग का बुरा नहीं चाहा। सब छोड़ के चली गई तो आप भी चली जाएंगी। अरे मैं कैसे रहूंगा, ये घर काटने को आएगा मुझे। आप नहीं जा सकती हैं, नहीं जाएंगी आप। मनिंदर सही कह रहा है, हम दोनों की नोकझोंक तो चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। अरे हमें तो अब इसकी आदत पड़ गई है, हम दोनों को ही आदत पड़ गई है। ना इसके बिना आपको चंगा लगता है और ना मुझे। अब हम ही एक दूसरे का परिवार है, कैसे रहेंगे अलग अलग। ये हमारे खानदानी का मित्र, मैंने सोचा था जब इस घर के वारिस की शक्ल देखूंगी तब अपनी बहू को ये तोहफे में दूंगी। अब तो आ गई तो वारिस भी आई जाए, तू इन्हें अभी रख ले। दी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। ये गहने बहू के लिए है ना, तो इस पर आधा हक दी का भी हुआ। दी भी तो आपकी बहू है ना, ये सारे गहने तेरे हैं, मेरा इन पर कोई हक नहीं है। प्लीज तू इसे रख। दी, हमने फेरे साथ में लिए हैं, तो जो भी है उस पर हम दोनों का आधा आधा हक है। लीजिए। ये खिलौने भी तेरे लिए अपने पास रखे, वो इसलिए कि जब इस घर का वारिस आए तो वो इन खिलौनों से ज्यादा खूबसूरत हो। इन्हें अपनी नजरों के सामने रखना। अब कर आधा आधा, मैं भी देखती क्या क्या और कब तक बांटती है तू अपनी बहन के साथ। मुझे ना सब पता है, आंटी जी ने ये सब जानबूझ के किया ना ताकि आपको बुरा लगे। चुप, बस ना, जाने दे। और सुन,
तो आंटी जी मत बोला कर, अब मम्मी जी बोला कर, तेरी भी सास है ना वो। सास है तो वो हरकतें भी तो करे ना सास जैसी। और वैसे भी दी, आप ये सब जाने दे सकते हो, मैं नहीं। बस छोटी, कितना गुस्सा करेगी। अच्छा सुन, यहाँ ना सबके साथ प्यार से रहे तो सब तुझे और ज्यादा प्यार करेंगे, खुश रहेगी तू यहाँ। अच्छा ठीक है, खैर छोड़ो ये सब, एक काम करते हैं, मैं पालक पनीर बना लेती हूँ और आप दाल मखनी बना लो, ठीक है? ठीक है। तो जितना चाहे अपनी बहन से हिल मिलकर रह ले सौम्य, पर तुझे इस घर की हर तस्वीर से निकाले बिना मैं चैन से रहने वाली नहीं हूँ। तो जो माता रानी दी, जो जरान वाली रस्म जो है, आज ही है ना शाम को, मुहूर्त काट लिया ना, मुहूर्त काटना जो भी है कार्यक्रम। हाँ हाँ, मैंने टाइम दे दिया, वो आ जाएंगे। एक काम करते हैं, मैं पालक पनीर बना लेती हूँ और आप दाल मखनी बना लो, ठीक है? आज खाना अच्छा बना है ना? पालक पनीर तो बहुत ही अच्छा है, किसने बनाया? मम्मी जी, वो आज पालक पनीर दी ने बनाया है। अच्छा बना है ना? दी ना मुझसे भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। बड़ा प्यार है दोनों बहनों, कोई ना मेरे लिए सरदर्द ही सही, मेरे बेटे के लिए तो यही अच्छा है। अरे हरमन, तुमने दाल मखनी नहीं ली? तुम्हें तो बड़ी पसंद है दाल मखनी। चलो चाची, थोड़ी दाल और दे। स्वाद है ना? वही तो, जरूर ये सुरभि ने बनाई होगी। कहना मुश्किल है ना कि दाल अच्छी बनी है या पालक पनीर। तू बता, तुझे क्या पसंद है, दाल मखनी या पनीर? सौम्या, दाल बहुत अच्छी बनी है। ऐसे ही थोड़ी तुम्हारे हाथ का स्वाद मेरी जुबान पर पहुंच गया। सासरीकाल पंडित। सबसे पहले प्रीतो जी को बुलाइए, गोधूली की इस मधुर वेला में दीप जलाने की रस्म करनी है, उसके लिए मुहूर्त का समय बहुत थोड़ा सा है। बहू, दिए को सुंदर से सजाकर उसमें घी भर देना। ओहो, तुसी फिक्र ना करो पंडित जी, मैंने दिए को अच्छी से सजाया है और सारी तैयारियां भी मैंने कर दी है, बस एक बार जीजी आ जाए तो फिर मैं। और कितने जीजी तेरी? जीजी आ जाएगी। और मैं क्या वीरन दी बोटिए जी, ओ हरमन नू ते बहुरानी नू बुला, शीघ्र आदि शीघ्र। जी भाई साहब, अभी बुला कर लाई। बैठिए पंडित जी। अब यह दिया उस रखे हुए कलश और माता रानी को दिखाओ बेटा। अब धर्म पत्नी अपने पति का हाथ पकड़कर आरती करे।
पूजा संपन्न हुई। अब आप पंडित जी पूजा हो गई जी, ये लीजिए आपकी दक्षिणा। हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकल जाए यहां से। निकल। मुझे इस घर में रहने की जगह नहीं चाहिए। मैं कहीं भी रह लूंगा, पर जो तेरे दिल में मेरी जगह थी ना, वो किसी गलतफहमी की वजह से छिन जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अपने गुनाहों को मेरी गलतफहमी का नाम देकर मेरे मत्थे पे मत मारिए सब। निकल यहां से, निकल। धीरे, जैसे तू आज गुनाह कह रहा है ना, उसी की वजह से आज सौम्य भाभी तेरे साथ है। ठीक है, तुझे मुझे माफ नहीं करना है तो मत कर, पर यार एटलीस्ट मेरी गलती तो मुझे बता दे। अगर उस रात में सौम्य भाभी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले गया होता ना, तो आज पता नहीं कहां कहां नहीं ढूंढ रहे होते उसने। और हाँ, सवाल सुरभि का, तो वीरे प्यार करता हूं मैं उससे, और तूने तो एक बार मुझे कहा था ना कि जो लड़की पसंद आए उठा लियो, मैं संभाल लूंगा, इश्क में तरीके नहीं देखे जाते, और आज उसी तरीके की वजह से मुझे गुनहगार कह रहा है।